तो आज के ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कार के जो हेडलैम्प्स होते हैं उसको चेंज करने का तरीका क्या है। मतलब प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कार के हेडलैम्प को कैसे चेंज किया जाता है। लोग रात के टाइम पे कार को चलाते हैं, अगर कार के हेडलैम्प खराब हो गए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उन लोगों को। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज मैं चेंज करने वाला हूँ हेडलैम्प को KOV 1W में, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर सभी गाड़ियों में हेडलैम्प चेंज करने का जो तरीका है वो सेम ही है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कार के हेडलैम्प्स को चेंज करने से पहले सबसे पहले तो आपके कार के जो बोनेट है इसको ओपन करना है। दोस्तों बोनेट को ओपन करने के लिए ड्राइवर सीट के साइड में ठीक इस पोर्शन में ज़्यादातर गाड़ियों का बोनेट का जो ओपन करने का स्विच होता है दिया रहता है, यहाँ पर भी है। तो इसके पहले हम मतलब बोनेट का स्विच को प्रेस कर दिए, तो यहाँ पर हम पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद बोनेट को यहाँ पर अटकाने के लिए जो एक मतलब ऐसा रॉड टाइप दिया रहता है इसको पहले यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो गई हमारे कार के बोनेट ओपन। बोनेट को ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद ये वाला हेडलाइट के पीछे के पोर्शन में यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज़ है इस तरफ में, मतलब लेफ्ट साइड के हेडलाइट के पीछे और राइट साइड के हेडलाइट के पीछे भी सेम ही चीज़ है। देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं डस्ट कवर। तो डस्ट कवर को आपको ओपन करना है, लेकिन डस्ट कवर को ओपन करने से पहले यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज़ है ये है हेडलाइट का कनेक्टर, मतलब जहाँ से हेडलाइट का पावर आता है बैटरी से, तो इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद डस्ट कवर को खोलने के बाद आपको हेडलाइट को रिप्लेस करना है। उस साइड में भी मतलब इस तरफ में भी सेम ही है। देखिए मतलब दोनों का जो चेंज करने का तरीका होगा पूरा सेम ही होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपके जो कनेक्टर है हेडलाइट का, ये वाला जो हेडलैम्प का कनेक्टर है उसको पहले आपको रिमूव कर लेना है। तो रिमूव करने के लिए ये हो गया रिमूव। तो इसको पहले हमने रिमूव कर लिया हेडलाइट कनेक्टर को। उसके बाद ये जो डस्ट कवर है ये दो वाला जो मतलब पकड़ने का चीज़ है इसको पहले आपको हाथ से ऐसे पकड़ना है। उसके बाद आपको ये जो डस्ट कवर है उसको पहले यहाँ से ऐसे खोल लेना है। देखिए हमने डस्ट कवर को खोल दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके हेडलाइट है उसका एक लॉक है, इस लॉक को आपको इस तरफ से बस ऐसे ये हो गया लॉक ओपन, ये लॉक को ओपन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो हेडलैम्प है इसको ऐसे निकल लेना है। देखिए तो दोस्तों हमने हेडलैम्प को निकाल लिए, तो आपको एक चीज़ में खाली ध्यान देना है, आपको जब भी हेडलैम्प को पकड़ेंगे आपको नीचे के इस होल्डर के इस पोर्शन से, मतलब जहाँ पर अभी मैंने पकड़ा है इस पोर्शन से पकड़ना है। आप कभी भी हेडलाइट के जो लाइट मतलब ग्लास वाला पोर्शन है, मतलब ऊपर की पोर्शन ये वाला पोर्शन, यहाँ पर कभी भी हाथ से ना पकड़े, इससे हेडलैम्प डैमेज हो सकता है। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको इस नीचे की पोर्शन से पकड़ना है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, अभी बस आपको नया वाला जो हेडलैम्प है उसको लगा देना है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मेरा जो ये हेडलैम्प है ये ख़राब नहीं है, ये ठीक ही है, तो इसलिए इसी हेडलैम्प को मैं डालूंगा वापस से। लेकिन आपको जब हेडलैम्प ख़राब हो जाएगा तो आपको दूसरा वाला हेडलैम्प जो मिलता है कंपनी की तरफ से दिया जाता है आपके गाड़ी के स्टोरेज बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से उस हेडलैम्प को निकाल के यहाँ पर लगाना है। तो अभी फिर से हम यहाँ पर वापस से इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर हेडलैम्प जो है इसको वापस से यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ। देखिए ये वाला हो गया फिट। उसके बाद वापस से ये वाला जो लॉक है लॉक को इस तरफ में करके बाद ऐसे प्रेस कर देना है। देखिए ये वाला लॉक हो गया प्रेस, देखिए यहाँ पर लॉक अटक गया। उसके बाद जो लाइट लैम्प है यहाँ पर फिट हो गया। दोस्तों आप इस तरफ से देख सकते हैं हेडलैम्प जो अंदर लग चुका है, ठीक है। तो अभी जो पीछे में डस्ट कवर है डस्ट कवर को लगाना है। उसके बाद ये वाला जो कनेक्टर है हेडलैम्प का इसको लगाना है, आपको लगाना है इस पोर्शन। तो अभी देखिए डस्ट कवर को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये, उसके बाद ऐसे प्रेस कर देना है बस। ये हो गया डस्ट कवर फिट। एक चीज़ में ध्यान देनी है, कनेक्टर को आप कैसे लगाएंगे, तो कनेक्टर को यहाँ पर देखिए जो दो पिन दिया हुआ है, तीन पिन दिया हुआ है, 1 2 3, इसके सीधा लगाना है। यहाँ पर देखिए इस पोर्शन में भी मतलब लगाने के लिए गैप दिया हुआ है, पोर्ट दिया हुआ है, तो इसको बस ऐसे यहाँ पर लगा के ऐसे प्रेस कर देना है। देखिए ये मैंने कर दिया प्रेस, तो ये हो गया दोस्तों हेडलैम्प फिट। दोस्तों अभी कार के इग्निशन की ऑन करते हैं, उसके बाद हेडलैम्प को ऑन करते हैं। तो अभी देखते हैं हेडलैम्प ऑन हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हेडलैम्प ठीक ठाक तरह से ऑन हो गया है, यहाँ पर देखिए जल रहा है।
तो ऐसे आप इजीली हेडलैम्प को मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ में आपको ध्यान देनी है, जब आप इस प्रोसीड्योर में हेडलैम्प को चेंज कर रहे हैं तो हमेशा आपके गाड़ी के जो इग्निशन की है उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है अगर पावर वगैरह आपके कनेक्टर में रहा मतलब बैटरी के पावर, तो आपके कार के जो फ्यूज है वो मतलब डैमेज हो सकता है कार के फ्यूज, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और रास्ते में कहीं पर अगर आप चल रहे हैं उस टाइम पे हेडलैम्प आपके ख़राब हुए हैं तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम वेट करना है आपको, क्योंकि हेडलैम्प अगर जलते हुए ख़राब होगा तो काफ़ी हद तक हेडलैम्प जो है वो हीट रहता है, गर्म रहता है, जिसके वजह से उस टाइम पे खोलने का मतलब है आपके स्क्रीन वगैरह हाथ वगैरह बर्न हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे चैनल के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए फ्यूचर में हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए। और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है दोस्तों, तो कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए मुझे, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।